ये मिला था मुझे ग्रुप बहुत पहले मिला था मुझे, बहुत सस्ता रेट दिया था, 280 का रेट दे रहा था डॉलर का, फिर 279 पर आया। तो उसने कहा, मैंने बोला फेस टू फेस करना, उसने बोला मेरा कराची में बंदा है, इस जगह पर बंदा है। तो मैंने बोला ठीक है, उसके साथ फेस टू फेस करना। उसने बोला ठीक है फेस टू फेस करें आप, बात ये है कि आपने जो है ना आप चले जाएँ, वो उनका घर भी आप घर पर देख लें, सेफ रहेगा, बात ये वो ऐसे बातें कर रहा था। तो बोल रहा था कि आप घर पर चले जाएँ, आप उनकी अकाउंट में पेमेंट करें क्योंकि वो आपके साथ रहेंगे, आपका काम हो जाएगा। तो आप उनको बोल सकते हैं कि भाई आप मुझे पेमेंट, मतलब अगर नहीं भी हुआ तो आप मुझे पेमेंट दे दें वापस, क्योंकि वो बंदा आपके सामने होगा। तो बात हुई कल की, कल बात हुई तो आज मैं गया हूँ उसके पास, तो मैंने बोला पहुँच गया। उसने बोला आप पेमेंट करें इन्हें, और कुछ बताया नहीं कि मैंने डॉलर की डील आपके साथ कर रहा हूँ, क्योंकि वो मेरा दोस्त है और ये जो है ना उसके साथ ये बात नहीं, बस आप पेमेंट करें 1,06,000 रुपये की, और 500 करके डॉलर ले लें मुझसे, 50 रुपये अमाउंट जो है ना बिल्कुल आपको डायरेक्टली रिसीव हो जाएगी। तो मैंने कहा ठीक है, उधर गया बंदे के साथ बात की, उधर भी 3-4 बंदे थे, हम भी 3-4 बंदे थे। तो उन्होंने कहा भाई पेमेंट करो मेरे को, जो उन्होंने अकाउंट दिया उस पर आप पेमेंट करो। मैंने कहा ठीक है पेमेंट करते हैं, मगर आपने उनको ओके बोलना है, जब मेरे पास पैसे आ जाए तो फिर आपने उनको पैसे देने। बोले नहीं, उन्होंने कहा है कि भाई मेरे पास पैसे आएंगे और मैंने डायरेक्ट उनको ही देने। तो जो मेरे सामने बंदा था उन्होंने ये कहा। तो बस ऐसे कुछ उसकी उल्टी सीधी बातें थी, कुछ मेरी उल्टी सीधी बातें थी, समझ नहीं आ रहा। फिर डायरेक्ट उसने बोला कि आप करेंसी ले रहे हैं, मैंने बोला हाँ। तो बोले ना वो मेरे जानने वाला है और ना मैं उनका जानने वाला हूँ। उसने बोला कि ये मेरा दोस्त है, ये आपके पास आएगा, मेरा उसको बता रहा था, जो मुझे बताया है वो उसको बताया हुआ है, मतलब तो दोनों को फिरा रहा था। बोला था कि भाई आपने इससे पेमेंट लेके मुझे करनी और मैं इसको भेज दूंगा। तो और मुझे कहा था कि भाई जो है ना आपको इसको पेमेंट कर देना और मैं आपको दे दूंगा। तो अलग सिस्टम था, मतलब एक आमने सामने बंदों को लड़वा के खुद पेमेंट लेके रोने वाला बंदा था। तो उसने बोला मेरा जानने वाला नहीं है, उसने ये कहा है कि बंदा आपके पास आएगा, मेरा दोस्त है, वो आपको पेमेंट करेगा और पेमेंट करके जो है ना आप वो आपको जो चीज़ देनी होगी वो आपको दे देगा, बात ख़त्म। मैंने पेमेंट आपसे लेनी, उसको डायरेक्ट सेंड करनी। मैंने बोला उसको करोगे कैसे, जब वो मेरा काम करेगा तो आपको उसको करोगे ना। तो ऐसे में पता चला कि उसने भी उसको झूठ बोला था और मुझे भी झूठ बोला हुआ था, तो दोनों को फंसा रहा था।